हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और क्रिसमस आ रही है यार, तो सबको हैप्पी क्रिसमस। तो गाइस, आज का वीडियो जो मेरा है आज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है सारे इग्निस ऑनर्स के लिए। तो मैं कुछ ऐसे एक्सेसरीज दिखाना चाहता हूँ जो कंपनी फिटेड तो आती नहीं है और ना ही इस गाड़ी के जल्दी अवेलेबल होती है। तो वो चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वो बड़ा ही जो एक्सेसरीज के बारे में बोल रहा हूँ वो बड़ा यूज़फुल एक्सेसरीज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एक्सेसरीज है और आप हर इग्निस ओनर्स को वो क्यों लगाना चाहिए और वो कैसे अच्छा है। तो गाइस चलिए देखते हैं गाड़ी के अंदर कौन सा एक्सेसरीज मैंने जो लगाया है जो गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ऑनर के लिए भी है। अब तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जिस एक्सेसरीज के बारे में बोल रहा था वो है ये आर्मरेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता ही होगा, जितने भी इग्निस ओनर्स है सारे को पता होगा कि इग्निस में आर्मरेस्ट नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी में भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको आफ्टर मार्केट या फिर एज एक्सेसरीज उसे लगवाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑनलाइन लिया है, ऑनलाइन लेकर खुद से लगाया है। तो इसे लगाना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं था, बस ये सारा सेट मिलता है, तीन पार्ट में मिलता है। इसे तीनों पार्ट को जोड़ना रहता है और फिर इसे यहाँ पर एज ए स्क्रू बोल्टिंग माउंट करना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं कि गाड़ी को किसी प्रकार का ये हार्म कर रहा है, नहीं, मैं क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यूज़ करते हुए लगभग एक साल हो गया और मैं काफ़ी कंफर्टेबल इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं और इसमें सारा फीचर अच्छा दिया हुआ, जैसे कि इसे स्लाइड करके यहाँ बोतल आप फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पर बोतल का जगह था तो वो तो इस आर्मरेस्ट ने खत्म कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसे आप स्लाइड करके यहाँ बोतल डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं बोतल यहाँ रख सकते हैं आराम से, आराम से आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद ये आर्मरेस्ट भी स्लाइडिंग होता है, देखिए आप ऐसे हो सकता है आराम से आगे तक आपका हाथ रख सकते हैं। उसके बाद इस आर्मरेस्ट में भी अंदर इनसाइड में भी जगह अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं गाइस, ये आर्मरेस्ट बड़ा यूजफुल है मेरे ओपिनियन से, सारे इग्निस ओनर्स को ये रखना चाहिए। मैं आपको एक बार यूज करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम गाड़ी में अगर बैठते हैं और आराम से यहाँ बैठ गए और बैठ के यहाँ हाथ आराम से रख के गियर तक हाथ से आराम से पहुँच के अपना गियर दिए, एक दो या अपना ये तीन ये चार फिर ये पाँच फिर ये रिटर्न, सारा गियर लग जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं। और दूसरी सबसे मेन पॉइंट, इसमें हैंड ब्रेक लगाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं खींच नहीं पा रहे हैं या कुछ भी, इसको आराम से उठा के ऐसे इसको लगा दिए फिर खींच दिए इसको लगाए, हो गया। मैं तो इसे लगे लगे ही लगा लेता हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये गाइस जितने भी इग्निस ओनर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा था, मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया था, इसका प्राइस मुझे पड़ गया था प्रॉक्स 1800, आई थिंक 1800 पड़ा था। तो ये अमेजोन में बड़ा आसानी से मिल जाता है गाइज, आप इग्निस करके लिख के आर्मरेस्ट ऑर्डर कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका अपना बाय लिंक भी आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज मेरे हिसाब से सारे इग्निस ओनर्स को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एसेसरीज मेरे गाड़ी में, जो लगभग मुझे हर गाड़ी में, मतलब ये तो हर गाड़ी, तो इग्निस के लिए बता दिया मैंने कि ये आर्मरेस्ट होना चाहिए, लेकिन दूसरा जो मेरा एसेसरीज है वो हर गाड़ी में होना चाहिए वो है ये आप देख सकते हो। इसे, हाँ मैं मान रहा हूँ कि आप इसे देखने के बाद कहेंगे कि ये तो झगड़ा करने वाली बात हो रही है, हमेशा लड़ाई करनी है, नहीं वो बात नहीं है, ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ। हाँ इसे मैंने रखा है 2 साल से, आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं इसे अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रोड। इसे मैं कोई झगड़ा करने के लिए रखा हूँ, कहीं भी गया और झगड़ा कर लिया, नहीं, इसे मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो ये दो एक्सेसरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक इग्निस के लिए स्पेशल, एक हर गाड़ी के लिए। ठीक है गाइस, तो इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि दे दूं अमेजोन का, ताकि आराम से आप ले सको। और एक वीडियो भी बना दूंगा इस पर कि बना देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो आप देख के आराम से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा आपको एक्सेसरीज दिखाना था, मैंने दिखा दिया। और मैं एक बार मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग ये इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज है, तो आप लोग इसे इस्तेमाल कीजिए, बताइए अपना फीडबैक। और भाई अपने अपने भाई के चैनल को लाइक कीजिए, भाई लाइक आप लोग कर दे रहे हैं, वीडियो भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि व्यूज़ मुझे अच्छे मिल रहे हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि देखने वाले की परसेंटेज 98 है और सब्सक्राइबर 2% है। तो गाइस ऐसा मत कीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा।
तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अपने भाई के चैनल को, ताकि मैं कोशिश करूँ कि अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाऊँ और अच्छी अच्छी कॉन्टेंट ला के आपको दूँ। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार।